हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मीठी सेवइयों की खीर। उसके लिए हमने कढ़ाई में घी ले लिया है और हमने जो सेवई रखी है उनको छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको हम थोड़ा रोस्टेड कर लेंगे। इनको बहुत केयरफुली करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से करें। मेरी थोड़ी जल गई है, तो अभी ये भुन गई है, तो हम इसमें थोड़ा दूध ऐड करेंगे। हमने गर्म दूध लिया है और अभी दूध डालने के बाद हम मिला लेंगे इसको अच्छे से, उफान आने देंगे। अभी हमने वनीला कस्टर्ड लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगता है इसका टेस्ट आप डाल सकते हैं, नहीं तो ना डालें। अभी इसको हम 1 चम्मच ले लेंगे और इसे मलाई के साथ मिक्स करके अच्छे से और डालेंगे। इसे सीधा ना डालें, इससे लम्स आ सकते हैं खीर में। इसको अच्छे से मिक्स इट करेंगे और मिक्स करने के बाद हमारे दूध में भी बॉयल आ गया है, उसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। इससे इसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इससे हमारा खीर बहुत ही अच्छा लगता है और बनता भी है। अभी हम कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे, इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये हमने कुछ काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं, इसके अंदर हम इनको मिला लेंगे अच्छे से। और इसको पहले डालने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, गार्निश के लिए आप ऊपर से भी डाल सकते हैं इन। और अभी हम अपना मीठा मिला लेंगे। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो कम या ज़्यादा। ध्यान रहे दोस्तों, अगर ये इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो आप इसको ऊपर से गर्म दूध भी डाल सकते हैं। नीचे ये बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए ये कितना परफेक्ट है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, हम इसको भी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए ये कितना परफेक्ट बना है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ट्राई ज़रूर करें। अभी हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है, बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ट्राई ज़रूर करें आप भी और कमेंट करके ज़रूर बताएं।